हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज ACMS दिल्ली में स्थित है। यह मेडिकल कॉलेज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से एफिलिएटेड है और आर्मी ट्रस्ट द्वारा रन की जाती है। इसमें एडमिशन नीट स्कोर पर होता है, मगर इसमें MBBS एडमिशन के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अभी से करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 है। इसमें आर्मी के बच्चों के अलावा 22 सीट्स अन्य कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें एडमिशन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, फीस क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहने की संभावना है और क्या रही थी 2019 की कट ऑफ। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं और यूट्यूब पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इसमें आर्मी वार्ड्स के लिए 78 सीट्स हैं, आर्मी डिफेंस कैटेगरी के लिए 4 सीट्स हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, ऑल इंडिया शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, दिल्ली शेड्यूल कास्ट के लिए 14 सीट है, दिल्ली शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है और दिल्ली शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 1 सीट है इसमें। अभी हम इसमें यह देखते हैं कि आर्मी वार्ड्स की जो 78 सीट्स हैं और डिफेंस कैटेगरी की 4 सीट रिजर्व हैं, इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम आर्मी वार्ड्स की बात करें तो इसमें टोटल 78 सीट पर एडमिशन के लिए वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। इसमें वार विडो और विडो ऑफ आर्मी भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें जिन बच्चों के पेरेंट्स को आर्मी से मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया है या फिर 10 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद उन्होंने डिस्चार्ज लिया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। स्पेशल केस में वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जिनके पेरेंट्स अभी नेवी और एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं और इन्होंने 10 साल तक आर्मी मेडिकल और डेंटल कोर में सर्विस की है, तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इन 78 सीट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार से है, आपको 10th 12th की मार्कशीट, इसके बाद में नीट स्कोर कार्ड के अलावा नीट एडमिट कार्ड, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है इसमें प्रूफ ऑफ एलिजिबल कैटेगरी, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको सबमिट करना है, इसके बाद में ओरिजिनल और फोटोकॉपी ऑफ PPO जो पेंशन ऑर्डर होता है, इसके बाद सर्विस रिकॉर्ड या डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी या ओरिजिनल, इसके बाद ID कार्ड और सर्विंग सर्टिफिकेट और डिपेंडेंट कार्ड, तो इनकी ज़रूरत होती है एडमिशन के लिए, एडमिशन के टाइम पर इन 78 सीट्स के लिए। इन 78 सीट्स के लिए सिर्फ आर्मी वार्ड्स ही एलिजिबल हैं। इसमें जिनके पेरेंट्स एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF, आसाम राइफल, ग्रिफ और DSC में सर्विस कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं इन 78 सीट्स के लिए। अभी हम बात करें कि डिफेंस कैटेगरी की जो 4 सीट्स हैं उनके लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, ये 4 सीट डिफेंस कैटेगरी में आती हैं, इनकी 9 प्रायोरिटी हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल हैं या पैरामिलिट्री पर्सनल में एक्शन के दौरान एक्सपायर हो गए हैं। सेकंड कैटेगरी में ये जो डिफेंस पर्सनल और पैरामिलिट्री पर्सनल हैं इनके पेरेंट्स बोर्ड आउट कर दिए गए हैं डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस से, या फिर थर्ड कैटेगरी में वो कैंडिडेट आते हैं जो डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेज में पीस टाइम में दैट एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस में आते हैं। फोर्थ कैटेगरी में
इनके डिफेंस और पैरामिलिट्री के वार्ड्स आते हैं जो बोर्ड आउट कर दिए गए हैं एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस के दौरान। तो इस प्रकार से पांचवी कैटेगरी में जिनको अवार्ड्स मिला है और ये अवार्ड्स की 10 कैटेगरी हैं, ये 10 अवार्ड्स जिनके पेरेंट्स को मिला हुआ है वो इस पांचवी कैटेगरी में आते हैं। छठवीं कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके अवार्ड्स आते हैं। इसके बाद में सातवीं कैटेगरी में वीव्स आते हैं। आठवीं कैटेगरी में इसमें सर्विंग पर्सनल्स के वार्ड्स आते हैं और नौवीं कैटेगरी में वीव्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। इस प्रकार से ये कैटेगरी बांटी गई हैं ये चार सीट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चार सीट डिफेंस कैटेगरी की हैं वो पांचवीं प्रायोरिटी तक ही फिल हो जाती हैं। अब मैंने आपको आर्मी वार्ड्स की 78 सीट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, डिफेंस कैटेगरी की 4 सीट्स की एलिजिबिलिटी के लिए बता दिया। अब इसमें ऑल इंडिया एससी कैटेगरी की एक सीट है जिसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया एसटी कैटेगरी की एक सीट पर ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें दिल्ली एससी के लिए 14 सीट्स हैं जो दिल्ली की डोमिसाइल रखते हैं या फिर जिन्होंने 11वीं 12वीं दिल्ली से कर रखा है, और फिर दिल्ली की डिफेंस कैटेगरी की एक सीट है और दिल्ली की एसटी कैटेगरी की भी एक सीट है जो दिल्ली की डोमिसाइल रखते हैं। अब इसकी फीस की बात करें तो ये ट्रस्ट द्वारा संचालित होने के कारण इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए इसकी फीस 4,32,000 है। यूनिवर्सिटी फीस 15,000 है। स्टूडेंट एक्टिविटीज फीस 1,000 है। इसमें बाकी ईयर्स की फीस भी दी हुई है। इसके बाद में हम इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है एज की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की वो नीट की समकक्ष ही है। जो नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ही इसी का है। अब कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ 2019 में 567 मार्क्स रही थी आर्मी वार्ड्स के लिए। जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ रहती है उससे 25 से 30 मार्क्स तक इसकी कट ऑफ डाउन रहती है। अब इसमें एडमिशन कैसे लें? तो दोस्तों जिन कैंडिडेट ने नीट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और जो ACMS में एडमिशन की एलिजिबिलिटी रखते हैं उन कैंडिडेट को 31 मार्च 2020 तक ipu.ac.in की वेबसाइट पर MBBS की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके एप्लीकेशन फीस 1,200 है। इसके बाद नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद ACMS में MBBS के लिए IPO द्वारा काउंसलिंग करवाकर इसमें एडमिशन दिया जाता है। अभी आपको IPO की वेबसाइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बना दूंगा और इसकी बाकी कंडीशनें भी मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दिया है। तो दोस्तों ये जानकारी थी ACMS में एडमिशन के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।